और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला दौरा, और सीधे आपको वहां लिए चलते हैं और उनका स्वागत यहाँ पर आप देखिए फूलों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला पहुंचे हैं, तस्वीरें आपके आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री का धर्मशाला के दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, और उनके स्वागत में दोनों ही तरफ से जो है उनका स्वागत आप देख सकते हैं फूलों की वर्षा के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और पारंपरिक तरीके से आप देखिए पारंपरिक वेशभूषा में सजी ये महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर काफी जोश के साथ उनका स्वागत करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही जो लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं प्रधानमंत्री के इंतजार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो चारों ही तरफ पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत और प्रधानमंत्री भी अभिनंदन स्वीकार करते हुए आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ धर्मशाला जो है पहुंचे हैं, और कई मायनों में महत्वपूर्ण क्योंकि चुनावी साल हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में यह दौरा प्रधानमंत्री का वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का, क्योंकि इससे पहले वो शिमला भी आए थे और अब उनका धर्मशाला आगमन अपने आप में हिमाचल के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर बात, और फूलों के साथ उनका स्वागत देखिए पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी को देखने के लिए यहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए किस तरीके से उमड़ी है और हाथों में झंडा लिए यहाँ पर उनका इंतजार पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर करते लोग, दोनों ही तरफ कतारों में खड़े यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पारंपरिक वेशभूषा में भी आपको आपने देखा किस तरीके से वहां पर जो महिलाएं हैं वो वहां पर हैं और बेहद जोश जो है वहां पर महिलाओं में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला आगमन के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तरफ जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। तो धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन कई मायनों में महत्वपूर्ण, और इसलिए भी क्योंकि हिमाचल में आने वाले इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये आगमन हिमाचल के लिए काफी मायनों में कई मायनों महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री से पहले शिमला भी आए थे और उसके बाद अब धर्मशाला में उनका ये आगमन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला में हैं और वहां पर जब वो यहां से गुजर रहे थे, उनका काफिला जब कड़ी सुरक्षा के बीच यहां से गुजर रहा था तो लोगों का उत्साह यहां पर देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच यहां पर पहुंचे हैं और देखिए लोगों का जो जोश है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से ही जो इंतजार है वो लोग यहां पर कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच यहां पर पहुंचेंगे, और ये तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और पीएम बनने के बाद तीसरी बार धर्मशाला प्रधानमंत्री का ये आगमन जो है वो हो रहा है, और जाहिर तौर पर पीएम मोदी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार धर्मशाला उनका आना हो रहा है, और तकरीबन अभी क्योंकि 12 बज चुके हैं तो वो यहां पर अभी धर्मशाला पहुंचे हैं। पहली बार धर्मशाला में कोई प्रधानमंत्री आपको बता दें रात में ठहरा है, और धर्मशाला शहर सहित आसपास सुरक्षा की दृष्टि से जो सुरक्षा का घेरा है वो भी कड़ा किया गया है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए हर कोई जो है जोश में उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं, तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण उनका यह दौरा है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, और इस लिहाज से भी क्योंकि आप
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी धर्मशाला में चल रहे देशभर के मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्र सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन से पहले पीएम का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से केसिस बैंक चौक तक ये रोड शो जो है वो निकाला जा रहा है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री कृषि में विविधता लाने, दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध और शहरी सुधारों पर शीर्ष अधिकारियों से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बता दें जो पीएम मोदी हैं वो सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो पीएम मोदी इस गुरुवार सुबह आपको बता दें विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ताजा जानकारी के साथ। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मशाला आगमन बेहद महत्वपूर्ण और उससे भी ज्यादा यहां पर महत्वपूर्ण हम देख पा रहे हैं जो लोगों की भीड़ है प्रधानमंत्री के स्वागत में वो यहां पर धर्मशाला में उमड़ी हुई है। तस्वीरें देख रहे हैं हम। विकास, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करेंगे विकास शर्मा से दोबारा जुड़ने की। लेकिन अपने आप में यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहला मौका है जब देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार धर्मशाला में रात को यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और पीएम के सुरक्षा का घेरा काफी मजबूत रखा गया है। पुलिस के 2300 जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। बिना जांच और आदेश के कोई भी वाहन शहर में एंट्री नहीं कर सकेगा। तो पीएम के दौरे का चुनावी कनेक्शन, क्योंकि हमें समझना होगा हिमाचल में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे से बीजेपी को काफी फायदा भी पहुंचने की बात कही जा रही है। मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय बैठक में ये बीच प्रधानमंत्री धर्मशाला का जो रोड शो यहाँ पर हो रहा है उससे प्रदेश के निचले हिस्से के 32 विधानसभा सीटों पर फोकस होगा और इन सीटों में कांगड़ा में 15, हमीरपुर में 5, ऊना में 5, चंबा में 5 और मंडी के जोगिंदरनगर धर्मपुर की 2 सीटें शामिल है। यही कारण है कि पीएम के रोड शो का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण और तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आगमन, 17 दिन में पीएम का ये दूसरा हिमाचल का दौरा है। धर्मशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इस लिहाज से भी बेहद खास है कि ये पहला मौका है जब देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार धर्मशाला में रात्रि विश्राम करने के लिए यहां पर रहेंगे। तो फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जो ब्यूरो चीफ है विकास शर्मा वो भी वहां पर मौजूद है। देखिए ढोल लगाड़ों की ये आवाज आप सुनिए और महसूस करिए उस जोश को जो कि वहां पर मौजूद लोगों में देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर। और चुनावी साल है तो ऐसे में देखिए बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो यहां पर निकलती दिखेंगी। और ये देखिए पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं जो है स्वागत गीत यहां पर पेश कर रही हैं। किस तरीके से एक उत्साह जो है धर्मशाला के लोगों में वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन पर, उनके स्वागत पर फूल पुष्प वर्षा जो है वो यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर। हर कोई जो है वो बेहद प्रसन्न है और यही वजह है कि धर्मशाला में पुष्प वर्षा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफले पर की जा रही है। और देखिये संगीत के जरिए इन पारंपरिक वेशभूषाओं में सजी धजी महिलाएं जो है पारंपरिक गीत पर थिरक रही हैं और प्रधानमंत्री आप गाड़ी इस गाड़ी में यहाँ पर वो मौजूद हैं। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं और हाथ हिलाकर अभिवंदन जो है वो कर रहे हैं। सिर पर हिमाचल की पारंपरिक टोपी वो पहने हुए हैं और हर किसी का देखिए हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा है, यह सुरक्षा का घेरा है और इस बीच दोनों ही तरफ आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ जो उमड़ी है। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है, उन्हें अपने बीच प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर हर कोई बेहद प्रसन्न। तस्वीरें धर्मशाला की हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी खुशी जो है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रही है। और चुनावी साल है ऐसे में अब ये हिमाचल के लिए ये और भी हर लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। तो तस्वीरें भी हम आपको साथ ही साथ दिखाते चल रहे हैं कि जश्न जो है धर्मशाला में इस बीच किस तरीके से परवान पर है और जो महिलाएं हैं पारंपरिक वेशभूषाओं में सजी धजी वो यहाँ पर नाच गाकर प्रधानमंत्री कर रही है। तो पारंपरिक तौर पर किस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो मुख्य सचिवों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ये रोड शो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों के बीच यहाँ पर धर्मशाला में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोगों की जो भीड़ है वो दोनों ही तरफ जो है देखने को मिल रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ स्वागत, दूसरी तरफ पारंपरिक वेशभूषाओं में सजी धजी महिलाएं जो हैं वो बेहद खुशी प्रसन्न होकर पारंपरिक गीतों पर झूमती नजर आ रही हैं और ये दो तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में किस तरीके से एक उत्साह जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक पुष्प वर्षा कर एक ऐसा अभी ऐसा दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो दृश्य बयां कर रहा है कि आज का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है धर्मशाला वासी के लिए। और चेहरे पे चमक और खुशी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के किस तरीके से हैं कि प्रधानमंत्री धर्मशाला में आए हैं और उनके स्वागत में आज हर कोई नाच गाकर उनका स्वागत कर रहा है। पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है कि पूरी धर्मशाला जो है वो पुष्प वर्षा में नहा चुकी है। और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर पारंपरिक गीतों के साथ यहाँ पर किस तरीके से स्वागत जो है वो किया गया है। खैर, इससे पहले शिमला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अब धर्मशाला का उनका ये दौरा जो है बेहद महत्वपूर्ण, 17 दिन में पीएम का ये हिमाचल का दूसरा दौरा है और धर्मशाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आपको जानकारी यहां पर दे दें, तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन पर किस तरीके से धर्मशाला में यहाँ पर उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है और कोशिश वहां पर करेंगे कि क्या तस्वीर है वो भी यहाँ पर जानने की, जो हमारे ब्यूरो चीफ है वो वहां पर मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है और प्रधानमंत्री का ये जो आगमन है वो विशेष तौर पर हर लिहाज से अहम हो जाता है क्योंकि चुनावी साल है तो उसमें बड़े बड़े जो नेताओं का आगमन यहाँ पर हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला भी आए थे, अब ये 17 दिनों में दूसरा दौरा है, दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री धर्मशाला यहाँ पर आए हुए हैं तो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और यहाँ पर किस तरीके से चुनावी मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा ताकि मिशन हिमाचल को फतेह एक बार फिर से किया जा सके और जाहिर तौर पर यहाँ पर मिशन रिपीट की तैयारियां जो है जो कि हिमाचल जो सरकार है बीजेपी है उसका एक मेन एजेंडा है कि आप हमें मिशन रिपीट करना है और अगर मिशन रिपीट होता है तो वो एक परंपरा जो राजनीतिक माहौल में चली आ रही थी कि कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं करती थी वो यहां पर टूटती नजर आएगी जैसा कि अन्य राज्य जैसा कि उत्तराखंड और यूपी में हुआ है। और यही वजह है कि यहां पर ताबड़तोड़ दौरे जो हैं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का ये बैक टू बैक दौरा जो है वो अपने आप में यहां पर कह रहा है कि बीजेपी ने अपनी कमर जो है पूरी तरीके से कस ली है और हिमाचल मिशन हिमाचल फतेह को करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रही है। और यही वजह है प्रधानमंत्री का ये आगमन जो है राजनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर पुष्प वर्षा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य स्वागत यहां पर किया गया और पारंपरिक वेशभूषाओं में सजी धजी जो यहाँ पर महिलाएं हैं उन्होंने पारंपरिक गीतों के साथ वो झूमती यहाँ पर नजर आई हैं और साथ ही ये इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि ऐसा पहला मौका है, ये बेहद कम ही यहाँ पर देखने को मिला है, पहला मौका है जब देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार धर्मशाला में रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर वो ठहरेंगे। जैसा कि आपको बता दें प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम धर्मशाला में ही करेंगे, दो दिवसीय उनका दौरा है तो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिन में पीएम ये दूसरा हिमाचल दौरा और इसे इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जाहिर तौर पर ये चुनाव यहां पर कांटे की टक्कर यहां पर मानी जा रही है और बीजेपी के लिए इसलिए कांटे की टक्कर क्योंकि मिशन रिपीट के साथ बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतरी हुई है। यह दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इस बार भी बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी और जो परंपरा राजनीतिक परंपरा पहले से चली आ रही है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है वो यहां पर टूटती हिमाचल में भी देखने को मिलेगी। खैर, उसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आज का धर्मशाला दौरा कितना महत्वपूर्ण रहता है, क्या कुछ रहता है वो भी हम यहां पर समझेंगे।